हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉमटेक। दोस्तों, अभी आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है कि UIDAI, इसे आप सरल भाषा में समझ सकते हैं, आधार कार्ड की जो संस्था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड हमारे बनाती है, उसका नंबर भारत के अधिकतर मोबाइलों में ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। मेरे मोबाइल में भी सेव हो गया है। और ये मैंने आपके सामने जो पेज दिखा रहा हूँ वो ट्विटर का दिखा रहा हूँ, मैं ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूँ UIDAI का। तो इस पर बाढ़ आ चुकी है, लोग अपने कमेंट ट्वीट कर करके बता रहे हैं कि हमारे में नंबर सेव कैसे हो गया, सेव कैसे हो गया। तो UIDAI बता रहे हैं कि ये नंबर हमने सेव नहीं किया, ये पता नहीं नंबर कहाँ से सेव हो गया है। ओके, आप चाहे तो न्यूज पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं और न्यूज पर रिपोर्टिंग चल रही है कि UIDAI का नंबर सारे लोगों के मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो गया, अभी पता नहीं चल रहा है। भारत सरकार को भी नहीं पता कि ये नंबर कहाँ से सेव हुआ है। आशंका ये बताई जा रही है कि कुछ हैकर्स ने क्या है, आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल है, आपके एंड्रॉयड मोबाइल को हैक किया है, उसकी वजह से क्या है नंबर सेव हो रहा है। तो आप जितनी भी ऐप वगैरह यूज है संभल कर यूज करें कि आपके मोबाइल हैक हो सकता है आगे भी। तो अभी ये क्या है, ज्यादातर मोबाइल में ये नंबर सेव हो गया है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में चेक करिए कि ये नंबर आपके में सेव है या नहीं है, और आपने ये कराया या नहीं करा। बहुत लोगों ने नहीं कराई, ऑटोमेटिकली सेव हो चुके हैं लोगों के मोबाइल में। अगर आपके मोबाइल में ये नंबर सेव है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि सेव है, और अगर नहीं है तो मुझे भी तब भी कमेंट करके बताइए कि सेव नहीं है। ओके दोस्तों, इसमें जुड़ी जो आगे इन्फॉर्मेशन मुझे कोई मिलेगी तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ओके, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।